गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मशरूम हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप बटर खाना पसंद करते हो, कोई भी ऑयल आप खाना पसंद करते हो आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक चम्मच जिंजर गार्लिक ऐड किया है, एक ग्रीन चिल्ली, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कम या ज़्यादा के अकॉर्डिंग मिर्चा ऐड कर सकते हो। अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे, देन ऐड करेंगे चॉप किया हुआ मशरूम। बहुत ही ज़्यादा महीन चॉप कर सकते हो अगर आपको पसंद है, या फिर रफली चॉप, आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल को चॉप कर सकते हो। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे, एंड देन इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और उसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे आप देखो मीडियम टू लो फ्लेम पे सारी सब्जियों को पकाना है। ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ, दो प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। अच्छे तरीके से इसे भुनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। देन मैं यहाँ ऐड करूँगी कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो सारी सब्जियों को। अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। यहाँ पे आप देखो मैंने एक बैच अभी ऐड किया है पत्ता गोभी का, देन मैं एक बैच और ऐड करूँगी, आप दोनों चाहो तो एक ही टाइम पर ऐड कर सकते हो। अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बनता है हमारा। देन ऐड करेंगे 3 छोटी चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, आप इसकी जगह पे वाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान रखें सारे सब्जियों को ओवरकुक ना करें। देन ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है। आप इसमें चाहो तो सॉसेस ऐड कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, मैं आज सॉसेस ऐड करके बनाती हूँ। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटी चम्मच विनीगर और 3 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस। इसे ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई सॉस नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हो और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाओ। इन सारे सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे, देन ऐड करेंगे वाटर। यहाँ मैंने 1 ग्लास वाटर पहले ऐड किया, इन सारे सब्जियों को मिक्स कर देंगे वाटर में अच्छे तरीके से, एंड देन और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं 2 से 3 ग्लास इसमें ऐड करूँगी वाटर और अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाऊँगी, जब तक इसका वाटर रिड्यूस ना हो जाए और ये थोड़ा थिक ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। देन ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, ये डार्क वाले भी आप ऐड कर सकते हो या फिर नॉर्मल जो सोया सॉस आता है उसे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें ऐड करेंगे वाटर और इसका एक स्मूथ स्लरी बना के रेडी कर लेंगे जस्ट लाइक दैट। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए, ब्लम्स फ्री हमारा घोल रेडी होना चाहिए। तो देन इसमें इसी स्लरी में ऐड करेंगे हम फूड कलर और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप फूड कलर नहीं खाते हो तो स्किप कर देना। देन यहाँ पे हमारे मिक्सचर बॉयल आने जैसा हो गया है, यहाँ पे आप देखो जब इसमें अच्छे से गर्म हो जाए, बॉयल आ जाए, देन इसमें स्लरी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे क्विकली, नहीं तो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जैसे ही स्लरी ऐड करो मिक्स करते जाओ, या फिर एक हाथ से स्लरी डालो और एक हाथ से कलछी चलाते जाओ, इस तरीके से भी बहुत ही अच्छा सूप बनेगा हमारा। और आप जैसे जैसे पकाओगे ना इसका कलर वैसे वैसे चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे पकाओगे ये थिक होते जाएगा। तो ध्यान रखना इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाते जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका वाटर थोड़ा रिड्यूस हो गया है, सूप थोड़ा थिक हो गया है। तो यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा सूप बन के रेडी हो गया है। तो फ्लेम को करेंगे ऑफ और गर्मा गर्म सूप इंजॉय करेंगे विंटर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।